हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लोकेशन बताऊंगा जहां पर आप छुप सकते हैं और अपनी रैंक को इजीली पुश कर सकते हैं। और ये ऐसी लोकेशन है जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आपको इस वाले हिडन प्लेस पे जाने के लिए निंजा वाली क्लास की यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना निंजा क्लास के आप वहाँ चढ़ नहीं पाएंगे। मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा था लेकिन मैं बिना निंजा वाली क्लास के यहाँ चढ़ नहीं पाया था। तो अब आपको यहाँ पे गोस्टान वाली लोकेशन पर जाना है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे को यहाँ से फॉलो करना है। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर गोस्टान वाली लोकेशन पर। अभी मैं पहले यहाँ पर अपना सामान कलेक्ट करूँगा और अपनी निंजा वाली क्लास के यहाँ पर चार्ज होने का वेट करूँगा। तो मैं इतनी देर में अपना जल्दी से सारा सामान पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आप मेरे को यहाँ से फॉलो कर लेना। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा हैलोवीन आने वाला है, तो मुझे सामने एक पंपकिन लगा हुआ यहाँ बंदा दिखता है। तो इसको मैं यहाँ पे मार देता हूँ, और इससे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सामान मिल जाता है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे एक बॉट होता है जो यहाँ आपकी तरफ आता है हैलोवीन का इवेंट सेलिब्रेट की वजह से, और इसे हम मार के इससे सामान ले सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी निंजा क्लास बस चार्ज होने वाली है, तो इतनी देर में मैं थोड़ा सा और सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा हिडन प्लेस की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी निंजा क्लास चार्ज हो चुकी है, तो अब चलते हम हिडन प्लेस की ओर। सो गाइस, आपको यहाँ पर आ जाना है, और ऊपर जो ये टावर देख पा रहे हो, आपको इस क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ जाना है। तो यहाँ पे आपको अपनी निंजा वाली क्लास का यूज़ करना है। तो अगर आप एक बार में नहीं चढ़ पाते तो आप यहाँ पे खड़े हो जाना, और दोबारा से अपने तब तक निंजा क्लास का चार्ज होने का यहाँ पे वेट कर लेना। तो गाइस, यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि मैं जल्दी से यहाँ पे निंजा क्लास को चार्ज होता हुआ दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मेरी निंजा क्लास चार्ज हो चुकी है, तो अब आपको वैसे ही करना है जैसे मैं यहाँ पे करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पीछे की साइड जंप करा, और उसके बाद अपनी निंजा क्लास को यहाँ पे यूज़ करा। तो यहाँ पे अब मैं चढ़ चुका हूँ, और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे कैंप करने के लिए। यहाँ पे आपको कोई भी बंदा कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, और यहाँ पे आपको चांस भी नहीं है कि आपको कोई भी बंदा यहाँ पे स्पॉट कर पाए। बस अगर यहाँ पे आपका जोन आ गया तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो आप आराम से यहाँ पे स्नाइपर लेके बैठ सकते हैं और दूर वाले बंदों को भी यहाँ से मार सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा देख भी ले तो आप पीछे की साइड अंदर हो जाना, और बंदा आपको बिल्कुल भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि बंदे को आने के लिए भी यहाँ पे निंजा क्लास की जरूरत पड़ेगी, और हर बंदे पे निंजा क्लास अवेलेबल भी नहीं होती। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर की साइड भी चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं निंजा क्लास को यूज़ करता हूँ, लेकिन हम ऊपर की साइड यहाँ पे और नहीं चढ़ पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी निंजा क्लास का चार्ज होने का वेट करता हूँ, और एक बार मैं सेंटर की तरफ अपनी निंजा क्लास को यूज़ करके ऊपर की तरफ और चढ़ने का यहाँ ट्राई करता हूँ। तो गाइस, अभी आप वीडियो को यहाँ पर छोड़ कर मत जाना, और आगे की तरफ देखना कि मैं ऊपर चढ़ पाता हूँ या फिर नहीं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका यहाँ पर टाइम ख़राब ना हो। तो अब मैं फिर से यहाँ पर ट्राई करूँगा ऊपर की तरफ चढ़ने का। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि बीच में पाइप्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम बीच में अटक जाते हैं और नीचे की तरफ फिर से गिर जाते हैं। सो गाइस, अब मैं नीचे दोबारा से जाऊँगा, और आपको एक बार और ऊपर की तरफ सीधा निंजा क्लास से चढ़ के दिखाऊँगा। तो इस बार हम एक ही बार में ऊपर की तरफ चढ़ के देखेंगे। सो गाइस, मैंने एक बार और यहाँ पे फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका यहाँ टाइम ख़राब ना हो। तो अब मेरी यहाँ पे निंजा क्लास चार्ज हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ एम करूँगा, और एक बार में ऊपर की तरफ यहाँ चढ़ जाऊँगा। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ दोनों प्रोसीजर बता दिए। अगर आप एक बार में ना चढ़ पाए तो आप एक बार नीचे की तरफ रुक जाना, फिर अपनी निंजा क्लास का वेट करना चार्ज होने का, और पीछे की तरफ जंप मार के फिर निंजा क्लास का यूज़ करना। नहीं तो आप दोबारा से नीचे की तरफ कूद जाना, और अपनी निंजा क्लास का चार्ज होने के बाद सीधा ऊपर की तरफ यहाँ चढ़ जाना। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी बंदा कभी नहीं स्पॉट कर पाएगा। अगर आपको ये लोकेशन यहाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस लोकेशन पे यहाँ छुप के अपने रैंक को यहाँ इजीली पुश कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।